हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्लासेस की जो टाइम होती है वो सुबह 11 बजे सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तीन दिन इसकी क्लास चलती है। और बिल्कुल शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने बाल विकास का अर्थ, ठीक, बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास, मानसिक विकास डिस्कस कर लिया है। अगर ये आपने जितने भी टॉपिक हमने बिल्कुल शुरुआत से और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि क्या है और बुद्धि लब्धि क्या है, बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम मानसिक विकास तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां से आपका बुद्धि स्टार्ट हो गया है। अब हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है, राइटर्स के अनुसार देखेंगे, मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट्स ये आता है कि जो टेट का सिलेबस होता है क्या इसमें मतलब मिलता जुलता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, जो आप डीएलएड में पढ़ते हो वो पूरा आपको टेट के सिलेबस में भी मिलता है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर उतना टेट में तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले कि बुद्धि किसे कहते हैं, ठीक है। तो बालक और बालिकाओं, ठीक, बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी का बुद्धि हमें जांचना होगा कि क्या उसका मानसिक योग्यता सही, मतलब मानसिक उसका विकास अच्छा है या फिर नहीं, तो हमें ये पता लगाना चाहिए। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अगर हम सिंपली भाषा में कहें, ठीक है, तो बुद्धि वो होता है कि किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, अपने आप को वहाँ समायोजन कर लेना ही बुद्धि कहलाती है, ठीक। ये भी आपका कि सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं किस तरीके से दी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषाएं क्या दी है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने बुद्धि की परिभाषाएं क्या दी है, ये जानते हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं ना, ये स्टेटमेंट से ज़्यादा रिलेटेड आते हैं। तो देखिए वुडवर्थ ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी है, वुडवर्थ ने बुद्धि की जो परिभाषा दी है इन्होंने ये दिया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, और ऐसा आ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है जिसने कहा था कि जो बुद्धि की परिभाषा होगी कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। तो ये आप सभी को याद हो गया। अब देखिए फ्रेंड टर्मन, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखिए बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त यानी जो आपको दिखता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त, और दूसरा जो मूर्त दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूर्त कहते हैं, ठीक। तो अमूर्त मतलब कि वो दिखता नहीं है और उसके ही संबंध में हम कुछ विचारते हैं, सोचते हैं, वो योग्यता क्या है, बुद्धि है। तो ये टर्मन के अनुसार कि बुद्धि वह है जो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है टर्मन के अनुसार, और वुडवर्थ के अनुसार कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब देखिए फ्रेंड्स बीने के अनुसार, तो बीने ने बुद्धि की परिभाषा क्या दी है, तो देखिए फ्रेंड्स इन्होंने दिया है कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, कौन, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बीने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर एग्जाम में बुद्धि की परिभाषा पूछता भी है ना, तो आप तो परिभाषा तो लिखेंगे ही और साथ में ही आप ये बीने का भी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। यानी बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान,
आविष्कार, निर्देश और आलोचना। क्लियर। अब देखिए रायबर्न के अनुसार, तो रायबर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इन्होंने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। रायबर्न के अनुसार इन्होंने बोला है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको किसी भी समस्याओं को समाधान करने और जो भी हमारा एम्स होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वही क्षमता है और वही आपकी बुद्धि है। तो आपने चार राइटर के अनुसार देखा, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो उडवर्थ, जो कि इनका कहना है कि बुद्धि वह है, ठीक है, बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। उसके बाद टर्मन्स कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ, जो टर्मन कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने जो कहते हैं कि बुद्धि जो होता है वो चार शब्दों में निहित होता है, कौन कौन, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, बिने के अनुसार, ठीक। और रायबर्न ने तो बहुत ही अच्छा बोले है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्लियर हो गया। अब मोटे तौर पर बुद्धि निम्नलिखित प्रकार की योग्यता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट टू पॉइंट कि जो बुद्धि होती है वो सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन किसने बोला था? तो टर्मन ने बोला था। समस्या का समाधान करने की योग्यता किसने बोला था? रायबर्न ने बोला था। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, संबंधों को समझने की योग्यता है। तो कुछ ये पॉइंट्स है जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जाना कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, तो आपने राइटर यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी देखा, जो कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बुद्धि लब्धि, ठीक, तो विभिन्न मानसिक योग्यताओं परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। जैसे यदि कोई 8 वर्ष का बालक, ठीक है, मतलब कोई 8 वर्ष का बालक है और वो 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता का परीक्षण कर लेता है, तो उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर कोई बालक है, मान लीजिए एक यहाँ पे बालक है, ठीक है, और उसकी जो मानसिक योग्यता है वो कितना है, 10 वर्ष के बालक जैसा है, ठीक है, मतलब वो 8 वर्ष की तो उसका एज है, लेकिन जो उसका मानसिक योग्यता है ना वो 10 वर्ष के बालक जैसे है, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तब उसको क्या माना जाएगा कि जो उसकी वास्तविक आयु है वो क्या है, 8 वर्ष है, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही आसानी के साथ समझना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक सूत्र होता है। बालक की बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, ठीक, नीचे होता है वास्तविक आय यानी मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप सभी को याद भी होगा। अब देखिए उदाहरण के लिए एक देखते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि 10 / 8 / 100 होगी, अर्थात 125, ठीक है। तो अर्थात उसकी जो आईक्यू होगा, बुद्धि लब्धि होगा, वो कितना होगा, 125 होगा, ठीक। अब देखिए बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये ऐसा रिलेटेड बार बार एग्जाम यानी टेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि और बुद्धि के प्रकार, यानी अगर किसी का
140 या उससे अधिक है तो वो सबसे ज़्यादा यानी उसको जीनियस माना जाता है, प्रतिभाशाली माना जाता है। जिसका बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू जिसका 140 या उससे अधिक माना जाता है उसको प्रतिभाशाली माना जाता है। ठीक है, तो आप भी अपना जो आईक्यू है इतना ही बनाइए। ठीक है, उसके बाद है जिसका आईक्यू 120 से 140 रहेगा तो उसका जो वो किस बुद्धि के प्रकार में आएगा तो वो अति श्रेष्ठ के प्रकार में आएगा। ठीक, उसके बाद जो है आपका वो है 110 से 120 यानी जिसका 110 से 120 के बीच में आईक्यू रहता है उसका जो बुद्धि के प्रकार में आता है वो आता है श्रेष्ठ बुद्धि। जिसका आईक्यू 90 से 110 के बीच में होता है उसका जो बुद्धि का प्रकार होता है वो होता है सामान्य बुद्धि। जिसका होता है 70 से 80 वो होता है मंद बुद्धि और 70 से कम होता है छिड़ बुद्धि और 50 से 70 होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा अल्प बुद्धि और जो 70 से कम का रहेगा वो रहेगा निश्चित बुद्धि। ठीक है, और उसके बाद 20 या 25 से या 50 तो वो होगा मूर्ख बुद्धि। ठीक है, और अगर जिसका 20 या 25 से कम है वो है महामूर्ख। तो आप देख सकते हो कि जिसका आईक्यू इतना कम रहेगा 20 या 25 तो उसको महामूर्ख यानी इडियट भी कहा जाता है। ठीक है, 20 या 25 से या 50 उसको मूर्ख बुद्धि। तो आपको यहाँ कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है सामान्य बुद्धि से और इसके ऊपर ही रहना है। सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने मानसिक योग्यता से किस तरीके को विकसित कर सकते हो तो वो होता है प्रैक्टिस। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो आईक्यू है, बुद्धिलब्धि है, वो विकसित अवश्य होगा। ठीक है, तो ये आपसे भी क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए बुद्धि परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए हैं। इनको मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो एक तो होता है व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है वो हर एक स्टूडेंट का बुद्धि परीक्षण अलग अलग यानी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है वो पूरे क्लास के जो भी स्टूडेंट होते हैं एक साथ उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं जो इसमें लिखा है इसके थ्रू। तो देखिए, सबसे पहला तो है आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो देखिए ये जो परीक्षण है एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है और इसका आरंभ जो किया था वो बिने ने किया था। प्रश्न ये आ सकता है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया था, तो बिने ने किया था। ठीक है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। कारण यह था कि सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार उनको सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के अन्य पदों पर नियुक्त करना चाहती है। अब देखिए, व्यक्तिक व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षणों के दो रूप हो सकते हैं। यानी जो आपका व्यक्तिक और सामूहिक परीक्षण है इसके दोनों प्रकारों के परीक्षण के दो रूप हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भाषात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है क्रियात्मक। तो भाषात्मक और क्रियात्मक क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषात्मक क्या होता है, तो इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है व अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है, मतलब कि भाषा का प्रयोग किया जाता है, और उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर गोला बनाकर
गुणा या रेखांकित कर देने होते हैं। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अंकगणित, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, समानार्थी या विलोम शब्द या बेंतर त्यू शब्दों को तर्व त्यू में लिखना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भाषात्मक परीक्षण होता है, इसका कहने का मतलब यही होता है कि जो आपका इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, इसमें जो मेन फोकस होता है, उद्देश्य इसका यही होता है कि जो व्यक्ति है उसका जो पढ़ने की क्षमता और लिखने की क्षमता का कितना ज्ञान है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछा जाता है, अंकगणित के, मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, समानार्थी या विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा रहता है भाषात्मक परीक्षण। अब हम जानते हैं क्रियात्मक परीक्षण क्या होता है ना। तो क्रियात्मक परीक्षण जो होता है, इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान बहुत ही कम होता है, है ना। मतलब कि उनको भाषा का ज्ञान कम होता है, इसलिए तो भाषात्मक होता है, और ये क्रियात्मक होता है क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान कम होता है, इसलिए क्रियात्मक परीक्षण होता है। यह पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है, ठीक है। मूर्त अमूर्त मैंने अभी बताया, मूर्त जो दिखता है, अमूर्त जो हमें दिखता नहीं है। तो मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव उन्हें जो ऑब्जेक्टिव होता है वस्तु, उसका प्रयोग किया जाता है और उसी के अनुसार उनका परीक्षण किया जाता है। और जो प्रशिक्षार्थी हैं, ठीक है, उनको समस्यापूर्ण कार्य करने को दिए जाते हैं, जैसे कि चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना, किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना, त्रिकोणी चौकोर व गोल वस्तुओं को रखकर आकृति को पूरा करना, भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना, ठीक। तो इसमें चित्र के सहारे पूरा इसमें परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों के नाम, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण, ये जो किया है, किसने किया है, बिने साइमन स्केल ने और स्टेने फोर्ड बिने स्केल ने किया है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण। इसका जो परीक्षण किया था वो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण और व्हिसलर वैल्यू टेस्ट, और दूसरा तीसरा जो है सामूहिक भाषात्मक परीक्षण यानी आर्मी अल्फा टेस्ट, और उसमें और एक नाम दिया गया, ठीक है, जिसमें जो इसका प्रयोग होता है वो होता है कि सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। तो ये सामूहिक भाषात्मक परीक्षण में होता है। उसके बाद आता है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण, तो आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ठीक। तो ये तो एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वैसे ही दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता। तो विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी कारण से बुद्धि परीक्षण शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बन गए, जैसे कि सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में, पिछड़े बालक का चुनाव करने में, अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार करने में, बालकों का वर्गीकरण करने में, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान कराने में, बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य करवाने में, बालकों की व्यवसाय की योग्यता का ज्ञान कराने में, बालकों की भावी सफलता का ज्ञान कराने में, अपव्यय का निवारण करने में, राष्ट्र के बालकों में बुद्धि का ज्ञान कराने के लिए। तभी हम कर सकते हैं जब हम उनके बारे में जान सकेंगे कि जो उनकी मानसिक योग्यता है वो किस स्तर पर है, क्या अभी वो बहुत ही, मतलब कि जो उनका बुद्धि के प्रकार में मंद बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि इस तरीके के है या फिर सामान्य बुद्धि, तो हम उसी के अनुसार उनके साथ मतलब शिक्षण देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, और देखिए पुनरावृत्ति, यहाँ एक बार और इसको। तो ये आपका यहीं पे बुद्धि और बुद्धि लब्धि समाप्त होता है, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे जिन प्याजे का संज्ञात्मक विकास, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बुद्धि क्या है और बुद्धि लब्धि क्या है, जो कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।